देश भर में 30 मई से लेकर 30 जून तक चलने वाले जनसंपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज शहादरा जिले के शिक्षक सदन में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। इस कार्यक्रम में विश्वास नगर के विधायक ओपी शर्मा, गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी, शहादरा जिला की अध्यक्ष लता गुप्ता, दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल, प्रदेश महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह, बीजेपी कार्यकर्ता और व्यापारीगण मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि पूर्व की राजनीतिक पार्टियां सरकार चलाते समय घोटालों की सरकार हुआ करती थी। कॉमनवेल्थ गेम के समय हुए घोटाले का जिक्र करने के साथ ही उन्होंने कोयला घोटाले, बोरफोर्स घोटाला आदि घोटालों की भी चर्चा की है। साथ ही कहा है कि पिछले 9 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, उसकी किसी भी मंत्री पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच पर कहा करते थे कि केंद्र की सरकार जब आम जनता के लिए 1 रुपए की घोषणा करती है तो वह मात्र 85 पैसे ही मिल पाते हैं, यानी कि 15 पैसे का घोटाला हो जाता है। आपको जो है कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या बताना चाहते हैं आम जनता? नहीं नहीं, पूरे देश में ये अभियान चल रहा है। सभी लोगों को तीन चार लोकसभा सीट दी है। मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली की 3 सीट की जिम्मेवारी मुझे मिली है। मोदी जी ने बेमिसाल कामगिरी की है 9 साल की, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। 9 साल में इतनी सारी उपलब्धियां हैं कि देश उन्नति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। गरीब कल्याण से लेकर सुशासन, गुड गवर्नेंस और सेवा ही हमारा साध्य है, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। विजय रूपाणी जहाँ भी होते हैं वहाँ सबसे बड़ा उनका जो चोट होती है वो भ्रष्टाचार पर होती है, क्या है? मतलब ये है कि आज तक कांग्रेस का पर्याय भ्रष्टाचार बना है, तो इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मोदी जी ने कदम उठाया वो बात भी रखनी चाहिए। आज देश की सर्वाधिक प्रचारित संस्था गीता प्रेस को जब मोदी सरकार अवार्ड दे रही है या इस तरह के, तो कांग्रेस क्यों उसको? कांग्रेस एंटी हिंदू मानसिकता में जी रही है और कांग्रेस लघुमतियों का वोट लेने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, इसके कारण वो गीता का भी विरोध करती है। विष्णु जी, लगातार दिल्ली में सम्मेलन हो रहे हैं और सम्मेलन में जो है जो चर्चाएं हैं वो 9 साल के कार्यकाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा अच्छा उत्सव का माहौल है और 9 वर्ष का जो उत्सव एक तरीके से सब मना रहे हैं और सभी समाजों के बीच में जा रहे हैं, जैसे व्यापारी सम्मेलन, सर्व समाज सम्मेलन, कार्यकर्ताओं के बीच में जाके टिफिन बैठक भी कर रहे हैं। तो एक तरीके से आज से ही अगले 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। 2024 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? बिल्कुल, तैयारी शुरू है और सारे कार्यकर्ता जोश से इस पूरे उसमें चुनाव में लगेंगे। जिस तरह से विष्णु जी देखा जा रहा है कि 23 तारीख को पूरा विपक्ष एक हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कोई भी एक हो जाए, लेकिन देश के लोगों को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए दोबारा से, और जनता मूड बना चुकी है कि 2024 में भी दोबारा भाजपा की सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।